मायावती रति के साथ में हुआ था, क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार था। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति रोते रोते आई और भगवान शिव से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, आपने मेरे पति को जला डाला। तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तेरा पति तुझे द्वापर युग में प्राप्त होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे और उनकी पत्नी जो मायावती है वह रति है। फिर उनके यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न का एक और विवाह रुक्मी की कन्या रुक्मवती के साथ में भी हुआ था और उनके गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान के पौत्र इस अनिरुद्ध का विवाह राजा बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। एक बार बाणासुर की कन्या उषा रात के समय सो रही थी, उस सपने में उसको अनिरुद्ध का दर्शन हुआ और सपने में ही उसने विवाह कर लिया। पहले उसने अनिरुद्ध को कभी देखा भी नहीं था, बस सपने में देखा और सपने में ही शादी कर ली। लेकिन जब वह जागृत हुई तो अनिरुद्ध को इधर से उधर वह ढूंढने लगी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, वह चित्रकला में निपुण थी। तो उसने उषा से कहा कि अरे सखी क्या बात है, तू क्यों चिंतित है? तो उसने कहा कि मैंने सपने में एक पुरुष के साथ में विवाह किया, तो कुछ भी हो उस पुरुष को तू कहीं से भी ढूंढ करके ला। तो चित्रलेखा ने विभिन्न प्रकार के चित्र बना बना करके उषा को दिखाए। जब अंत में उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में इन्हीं के साथ में विवाह किया है। तो चित्रलेखा बोली कि हे सखी तू चिंता मत कर, ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध है, मैं द्वारिका में जा करके चोरी से इनका हरण करके ले आऊंगी। अब चित्रलेखा गई द्वारिका नगरी के अंदर अनिरुद्ध की चोरी करने के लिए, लेकिन वहां अंदर वह प्रवेश कैसे करे क्योंकि बाहर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रखवाली कर रहा था। अब वह विचारने लगी कि कैसे मैं अंदर जाऊं। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आ गए। देवर्षि नारद पधारे तो चित्रलेखा प्रणाम करके कहने लगी कि महाराज आप तो साधु हो, जो दूसरों की साधना को पूर्ण करे वही साधु है। महाराज मैं चोरी करने के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ में चलिए। देवर्षि पूछने लगे कि तू चोरी करने जा रही है और किसकी? चित्रलेखा ने बताया कि मैं अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही हूँ। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा का अर्थ होता है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि और देवर्षि नारद का अर्थ ब्रह्मचर्य। बुद्धि रूपी चित्रलेखा मन अनिरुद्ध का हरण करने के लिए जा रही है, लेकिन उसको सफलता तभी प्राप्त होती है जब देवर्षि नारद जैसे संत का ब्रह्मचर्य प्राप्त हो। देवर्षि नारद से उसने प्रार्थना की। वो चित्रलेखा जानती थी कि देवर्षि नारद का यदि साथ मिल गया तो हर कठिन काम भी संभव हो सकता है, क्योंकि देवर्षि नारद की कोई भी बात रद्द हो ही नहीं सकती। नारद शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह है नारद, उनकी बात कभी भी रद्द नहीं होती है। और ऐसे काम में तो फिर देवर्षि नारद सबसे आगे ही रहते हैं। चित्रलेखा ने आग्रह किया कि महाराज आप सहायता कीजिए। देवर्षि बोले कि ठीक है, मैं सुदर्शन के साथ में सत्संग करूंगा, कीर्तन करूंगा, तब तक तो अवसर प्राप्त करके उसका हरण कर लेना। देवर्षि नारद आए सुदर्शन के पास में, आकर के कहने लगे कि सुदर्शन तू मेरे साथ में मिलकर के सत्संग कर। उसने मना कर दिया कि नहीं महाराज मेरे पास में तो अवसर है ही नहीं, क्योंकि सारे नगर की रखवाली जो करना है। देवर्षि नारद कहने लगे अरे सुदर्शन तू किसकी चौकसी करेगा, किसकी रखवाली करेगा? रक्षक तो द्वारिकाधीश भगवान है, तुझे तो सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से ही अज्ञान मिटता है। व्यक्ति को जीवन में रोज सत्संग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सत्संग से ही मन शुद्ध होता है। जिस प्रकार से हम अपने घर को रोज झाड़ बुहार करके साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन सत्संग करके अपने मन को भी साफ करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन सत्संग व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए। राम जप ले दीवा